विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का वैदिक गणित की पाठशाला में। जैसा कि अभी तक हम अपने वैदिक गणित के 14 सूत्र के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के इस लेक्चर का जो सूत्र है वो है गुणित समुच्चय। आइए जानते हैं इस सूत्र के अर्थ को और इसके उपयोग को। तो प्यारे बच्चों, ये एक बेहद महत्वपूर्ण सूत्र है। सूत्र है गुणित समुच्चय। गुणित समुच्चय सूत्र का जो अर्थ है वो देखते हैं पहले। तो अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है योग की गुणा, योग की गुणा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि ये जो हमारे पास वैदिक गणित के सूत्र है ये शब्द सूत्र है, तो यहाँ पे शब्दों की सहायता से हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसकी सहायता से हमें उसका पूरा मीनिंग, उसका विश्लेषण करना होता है। तो यहाँ पे हम यही सीखेंगे। अब जैसे योग की गुणा, अगर इसको इंग्लिश में कहें द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द फैक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द फैक्टर्स। इसको समझते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये अजीब लग सकता है, तो इसको जब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग है एक द्विघात या घनीय व्यंजकों के गुणनखंड किए जाए तो व्यंजक के गुणांकों का योग गुणनखंडों के गुणांकों के योग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो पहले एक बार हम एक एग्जाम्पल करते हैं और फिर उसके बाद इसके उपयोग और अर्थ को एक बार दोबारा से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो हमारे पास हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ले लिया, द्विघात व्यंजक है हमारे पास, यानी कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक ले लिया है। इसमें इसके हमें फैक्टर बनाने हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप देखें सम सम तो इसका 9 हो और प्रोडक्ट इसकी 14 हो, तो सम इसका 9 हो और प्रोडक्ट इसकी 14 हो, तो 9 कैसे दो टुकड़े कर ले, एक तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 7x प्लस 2x प्लस 14 लिख देते हैं इसको। अब इसमें से आप क्या करें, इस पार्ट में से एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 7, और यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां से भी आ जाएगा x प्लस 7। अब आप क्या करें, x प्लस 7 दोनों में है तो x प्लस 7 ले लिया हमने, और ये हमारे पास x प्लस 2 आ गया। किसके लिए आया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। अब आप देखिए, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, द्विघात व्यंजक है जो, तो इसमें जो कोफिशियंट है उनका सम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 में गुणांकों का योग, गुणांकों का योग मींस सम ऑफ द कोफिशियंट, सम ऑफ द कोफिशियंट इन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, ये है हमारे पास। देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, x का जो है वो हमारे पास 9 है, और जो कोफिशियंट जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो 14 है हमारे पास। तो यहां से हम इसको प्लस करेंगे तो 14 और 10 ये, तो हमारे पास 24 हो गया। अब एक पार्ट तो हो गया है हमारे पास, अब यहां पे आ जाओ x प्लस 7 और x प्लस 2 में गुणनखंड, गुणनखंडों के गुणांकों के योगफल का गुणनफल। अब ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, एक बार पहले देखते हैं। अब हमारे पास एक फैक्टर तो है x प्लस 7, एक्स प्लस 7 में आप जैसे आपने यहां पे गुणांकों का योग निकाला है,
सम ऑफ कोएफिशिएंट निकाला है, एक्स प्लस सेवन के लिए निकाले, एक्स का कोएफिशिएंट तो वन है तो ये वन प्लस सेवन हुआ, और एक्स प्लस टू में एक्स का वन है और ये टू हुआ तो ये वन प्लस टू हुआ, और इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से वन प्लस सेवन एट, वन प्लस टू थ्री, तो ये हमारे पास आ गया 24। आप देखें ये भी 24 है और ये भी 24 है, तो सेम आया हमारे पास। अब इसको दोबारा से समझते हैं। इसमें कहा गया है कि जो आपके पास द्विघात व्यंजक है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जो कोफिशियंट्स हैं 1, 9 और 14, उसके जो गुणांक है, उसके जो गुणांक है उनका सम, उनका जोड़ ये निकाला हमने, 24 आ गया। ये किसके इक्वल होगा? जब इसके गुणनखंड करेंगे, जब इसके फैक्टर बनाएंगे, तो उस उन फैक्टर्स में ठीक किसी तरह से जैसे इसमें किया है, उनके जो कोफिशियंट है उनका सम, इनके कोफिशियंट का सम करेंगे, कोफिशियंट का सम करेंगे इसके भी और इसके भी, और फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे, फिर उनकी गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो दोनों के दोनों इक्वल आएंगे, ये इसमें कहा गया है। तो अब इसको अर्थ को दोबारा से देखते हैं। तो यहां पे कहा गया है योग की गुणा, योग की गुणा का जो अर्थ है उसको आप अगर इंग्लिश में कहें योग की गुणा, ये है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो प्रोडक्ट ऑफ सम है इसका अगर इंग्लिश में कहें तो, देखो यहां देखो प्रोडक्ट गुणा कर रखी है किसकी, योग की, तो योग की गुणा यानी कि योगफल का गुणनफल या फिर योग की गुणा। तो ये बहुत एक छोटा सा पार्ट है जिसको हमें एलोबरेट करना होता है। अब ये तो हो गया हमारे पास इसके अर्थ के बारे में। अब उपयोग में देखो क्या कहा है कि द्विघात या घनीय व्यंजक यानी कि पावर टू है या पावर थ्री है, तो व्यंजकों के गुणनखंड किए जाए तो व्यंजक के गुणांकों का योग, गुणांकों का योग इनकी बात कर रहा है, गुणांकों का योग, गुणनखंडों के जो गुणनखंड है गुणांकों के योग के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनखंडों के जो गुणांकों का योग है और उनकी जो गुणा है उसके बराबर होता है, यानी कि जो सम ऑफ कोफिशियंट है इसमें और इसमें फैक्टर्स में जो सम ऑफ कोफिशियंट है उनकी मल्टीप्लाई, ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण उपयोग है हमारा जो वैदिक गणित का सूत्र है गुणित समुच्चय। एक और अगर एग्जाम्पल हम ले, इस एग्जाम्पल के लिए भी हम इसको करके देखें सेकेंड वाले पार्ट के लिए भी, तो आप यहां से इसको भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको हटा देते हैं, ये तो हमारा सेम ही रहना है, इस पार्ट को अगर हम रख लेते हैं क्योंकि ये तो हमारा सेम ही रहना है, यहां पे हम चेंज कर लेंगे। एग्जाम्पल वन को अब यहां से हटा ही देते हैं। अगर एग्जाम्पल टू की बात करें तो एग्जाम्पल टू में हमारे पास जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां से ये है हमारे पास कि जो सम है, सम हमारे पास होना चाहिए माइनस 14 और जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है यानी कि माइनस 120। तो ऐसे हमें टू फैक्टर चाहिए है, इसके हमें दो ब्रेक करने हैं किसमें, 15x² माइनस 14xy माइनस 8y² में, कि सम तो माइनस 14 हो और प्रोडक्ट माइनस 120 है। तो हम इसको लिख लेंगे 15x² माइनस 20xy और प्लस के 6xy माइनस 8y². देखो माइनस के 20 और प्लस के 6 तो माइनस 14 आ जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 20 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे तो यहां से 5 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया तो ये 3x माइनस 4y, 5 3 15, 5 4 20, 1x बाहर चला गया, x रह गया यहां से y, प्लस इसमें से 6 और 8 में से 2 और xy y² तो साथ में y तो 2y, यहां पे 3x माइनस यहां पे 4y ये रह जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 3x माइनस 4y
कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 5x + 2y। अब पहले तो इसमें इनके जो कोफिशियंट है उनका सम देखते हैं। तो हम लिखेंगे 15x² - 14xy - 8y² में गुणांकों का योगफल क्या होगा, 15 है प्लस आगे है -14 प्लस आगे है -8, यानी कि 15 - 14 और -8। यहां पे हमारे पास ये माइनस के 22 आ जाएंगे तो माइनस का 7 आ गया, यहां से तो हमें मिला -7। अब जो गुणनखंड की है, जो फैक्टर बनाए हैं क्या क्या है, एक तो है 3x - 4y और एक है 5x + 2y। इसके जो गुणनखंड है उसमें गुणांकों का योगफल करना है और फिर उनकी गुणा करनी है। तो पहले वाले में से कौन है, एक तो है पहले वाले 3 + -4 ये मिले हमें यहां से, तो और दूसरे वाले से देखो इनकी गुणा करनी है, दूसरे वाला क्या है हमारे पास 5 + 2। यहां से ये 3 - 4 और ये 5 + 2 ये 7 हो जाएंगे, 3 - 4 - 1 और ये 7, तो कितना आ जाएगा -7। तो आप देखेंगे ये हमारे पास इक्वल आ रहा है, तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमने यहाँ पे जाना कि किस तरह से गुणित समुच्चय सूत्र की सहायता से कोई भी द्विघात, त्रिघात या इससे भी बड़े कोई घात है, वो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल या कोई व्यंजक है, अगर हम उसके फैक्टर बना लें तो उस फैक्टर में जो कोफिशियंट्स है उनका सम, उनका जोड़ और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जो हमारे पास द्विघात या त्रिघात व्यंजक था उसके जो गुणांक है, उनके जो कोफिशियंट्स है, उनका सम करें तो उसके इक्वल आएगा। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र हो गया इस हिसाब से हमारे पास। तो आप प्यारे बच्चों आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसमें परफेक्ट होते चलेंगे। ये चीजें आपके जब आप 9th क्लास में 10th क्लास में इससे बड़ी क्लासेस में जब आप इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आपके ट्रेडिशनल मेथड से, तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, जहां के आपने जो कैलकुलेशन की है कि वो सही है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप इनसे इन सूत्रों की सहायता से बहुत फास्ट तरीके से उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर से मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।